हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी दैट इज चैप्टर नंबर टू गलोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड सोलर सिस्टम बट इन दिस चैप्टर वी विल गेट टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ओके सो बिफोर स्टार्टिंग जस्ट फोकस जस्ट पे अटेंशन टू द इमेज विच आई हैव शोन इन दिस स्लाइड सी ये क्या है ये है ग्लोब और ग्लोब क्या होता है ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ बेसिकली इट्स अ मिनीचर मिनीचर फॉर्म ऑफ द अर्थ राइट तो आपकी जो अर्थ होती है जिसमें हम एक्चुअली हम लोग सब रह रहे हैं अर्थ किस तरह की दिखती है वो इस तरह की दिखती है जो हम ग्लोब में देख सकते हैं ठीक है ग्लोब्स जो हैं वो काफ़ी साइजेस में आते हैं अलग अलग टाइप्स के आते हैं छोटे बड़े पॉकेट ग्लोब्स भी आते हैं सो so, ये अब अपने अकॉर्डिंग लोग कैरी भी करते हैं जिससे कि जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो उसके अकॉर्डिंग ग्लोब को स्टडी करने के लिए ग्लोब का यूज़ करता है और ग्लोब में एग्जैक्टली exactly हमें क्या क्या पता चलता है ग्लोब में हमें कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट्स या ओशियंस जो भी हमारे अर्थ में कंट्रीज़ हैं कॉन्टिनेंट्स हैं अलग अलग ओशियंस हैं तो ये सब चीज़ें हमें ग्लोब्स में ग्लोब में देखने को मिलती हैं इन देयर करेक्ट साइज़ अब करेक्ट साइज़ का यहाँ पर क्या मतलब है करेक्ट साइज़ का मतलब होता है इन देयर प्रपोर्शनेट साइज़ मतलब अगर अगर रियल लाइफ में यूनाइटेड किंगडम किंगडम से अगर इंडिया फिफ्टी परसेंट छोटा है तो वो फिफ्टी परसेंट छोटा ही ग्लोब में शो होगा ठीक है अगर रियल लाइफ में हमारे इंडिया में लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान है तो ग्लोब में भी उसकी स्ट्रक्चर इसी तरह से शो होगी जो जिस तरह से एक्चुअल में है बट इन दी मिनिएचर फॉर्म ठीक है मतलब छोटे में शो होगा लेकिन इस तरह से नहीं कि कुछ भी बना दिया उसको बहुत प्रोपोर्शनेटली बनाया जाता है ठीक है बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ ठीक है जैसे अगर हम अर्थ की बात करें हम कोई भी लोकेशन को हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे या कैसे उसको पॉइंट आउट करेंगे ये बहुत मुश्किल होता है कि ये कैसे हम जज करें तो उसके लिए हम अर्थ को फर्दर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट डिफरेंट उसको आ, उसके कुछ हमने स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया है जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ द पोल्स बेसिकली पोल्स क्या होते हैं द पोल्स आर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अर्थ ठीक है अब जैसे आप इसमें देखिए ये जो इमेज शो हो रही है इसमें एक स्टैंड है और इस स्टैंड में जो ऊपर ये जो अर्थ का आ, ये राउंड शेप में ये जो आपकी आ, अर्थ है जो वो घूमेगी तो वो दो जगह से फिक्स्ड है है ना बीच में से कहीं से फिक्स नहीं है तभी तो वो स्पिन हो पाती है तभी तो वो घुमा पाते हैं हम ग्लोब को लेकिन वो दो जगह से फिक्स की हुई है तो वो जो दो फिक्स जगह हैं वो फिक्स जगह हैं पोल्स ठीक है तो जो टॉप पोल है उसको हम नॉर्थ नॉर्थ पोल बोलते हैं और जो बॉटम में है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं ठीक है और ये एग्जैक्टली exactly अर्थ में भी इसी तरह है जो हम हम तो अर्थ को हम एक तरह से अर्थ को ही स्टडी कर रहे हैं बट हमें हम अर्थ को स्टडी कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर इन अ वेरी वेल वे जब हम ग्लोब को पढ़ सकते हैं अगर हम ग्लोब को पढ़ लिया तो दैट मीन्स हमने अर्थ को अच्छे से स्टडी कर लिया नेक्स्ट इज एक्सेस एक्सेस क्या होता है द वे ऑ ग्लोब रोटेट्स अराउंड द पाइवर्ट्स द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स अराउंड एन इमेजनरी लाइन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था जो पोल्स हैं जो फिक्स्ड एक स्टैंड में हमें यहाँ पर एक फ़िक्स्ड दिख रहा है कि हमारे पोल्स यहाँ पर फिक्स्ड हैं ठीक है थीके? तो ये जो फिक्स्ड है जहाँ से अर्थ रोटेट करती रहती है एक टिलड पोजिशन में अर्थ फिक्सड रहती है और वो उसी टिल्टेड पोजिशन में रोटेट करती रहती है तो वो चीज़ एक्सेस होती है ठीक है तो इमेजनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ द अर्थ एक लाइन होती है जिसके जिसके ऊपर अर्थ जो है रोटेट करती है ठीक है बट ये इमेजनरी लाइन है ये एक्चुअल में नहीं होती हम हम लोग जो ग्लोब हम एक्चुअल में स्टडी करते हैं वो हम स्टैंड में उसको फिक्स करते हैं लेकिन अर्थ के जो हमारा रियल अर्थ है उसमें कोई एक्सेस नहीं है कुछ नहीं है बट येस yes, वो एक टिल्टेड फॉर्म में रोटेट करती है ठीक है दैन नेक्स्ट इज इक्वेटर इक्वेटर क्या होता है एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू इक्वल इनटू टू इक्वल पार्ट्स दिस लाइन इज़ नोन एज इक्वेटर तो आपकी जो इमेजिनरी लाइन है अब अगेन मैं आपको रिपीटेडली बोलूँगी जो अर्थ है उसमें एक्चुअल में कोई लाइंस नहीं होती हैं बट हम उसको स्टडी करने के लिए उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए हम उसमें कुछ इमेजिनरी लाइंस का यूज़ करते हुए उसको स्टडी करते हैं ठीक है थीके? तो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है दो इक्वल पार्ट्स भी कैसे एक अपर इक्वल पार्ट हो एक अपर पार्ट होगा और एक बॉटम होगा ठीक है अगर आप इस इमेज में देखो तो बीच में एक लाइन जा रही है तो वो लाइन क्या है वो इक्वेटर है एक इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब को जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और इस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं ठीक है जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न नॉर्दर्न हाफ ऑफ़ दी अर्थ जिसको हम नॉर्दन हेमिसफेयर से भी डिपिक कर सकते रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी तरह जो नीचे वाला पार्ट है बॉटम पार्ट जो है उसको साउदर्न हाफ बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज साउदर्न हेमस्फेयर ठीक है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है वन इज़ नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड अदर इज साउदर्न हेमिसफेयर दैन कम्स टू पैरल्स ऑफ लेटिट्यूड पैलल्स ऑफ लेटिट्यूड क्या होता है बेसिकली द ऑल पैरलर्स पैरल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड अगर आप नोटिस करो तो ये जो आपकी अर्थ है इसको हमने अलग अलग एक पैरल वे में सर्कल्स बनाए हैं इक्वेटर से इक्वेटर तो हमारा मिड में आता है और उसके ऊपर अगर हम जाते जा रहे हैं या उसके नीचे भी जाते जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे सर्कल्स बन रहे हैं ठीक है जो पोल्स की तरफ जाते जा रहे हैं पैलल्स पैरल फॉर्म में ठीक है कोई ऐसा नहीं है कि वो स्लैंटिंग है या टिल्टेड है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक इक्वल इक्वलेंट डिस्टेंस को मेजर करते हुए सर्कल्स बनाए गए हैं इमेजनरी हैं अगेन ये ठीक है तो ये सब इनको हम क्या बोलते हैं पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड ठीक है ये डिग्रीज़ में आप आ, इसको मेजर करते हो और इसमें आपके जो पैल्स ऑफ लैटिट्यूड है जैसे कि इक्वेटर हुआ ये भी एक लैटिट्यूड है है ना इसको हम बेसिकली ये जो लाइन्स ड्रॉ की हैं ये सब क्या है ये लैटिट्यूड्स हैं इसको हम लैटिट्यूड्स जो हम हॉरिजोनटल लाइन जो हमने एक ड्रॉ कर ली है इमेजनरी वे में उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये जो हॉरीजों हैं ये अलग अलग इनके हमने इनको नाम दिए हैं जैसे कि जो सबसे जो अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उसको हमने नाम दिया इक्वेटर और इसको ही ये हमारा ज़ीरो डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है ठीक है देन अगर हम इसको और आगे बात करें तो ये फर्दर अगर हम मूव करेंगे तो ट्वेंटी थ्री डिग्री ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ ठीक है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ इमेजनरी लाइन बनाएगी ऊपर नॉर्थ की साइड देन सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ इज़ अगेन एन अदर इमेजनरी लाइन बेसिकली आप देखो तो आपकी जो एक सेमी सर्कल बन रहा है और ये सेमी सर्कल अगर हम अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द मिड अगर हम मिड मिड में एक सेंटर पॉइंट में नॉर्थ इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बना लेगी ठीक है तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जीरो डिग्री से नॉर्थ पोल तक अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक मूव करेंगे तो हमारे एग्जैक्ट नाइन्टी डिग्रीज़ बनेंगे है ना नाइन्टी पार्ट्स में ये नाइन्टी लेटीट्यूड्स में डिवाइड हो जाएगा लेकिन हमने इसको थोड़ा और बेटर वे में स्टडी करने के लिए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जगह को मार्क कर लिया जैसे कि जो जीरो डिग्री है वो इक्वेटर है ऐसे ही ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ जो है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जानते हैं देन अगर हम सिक्सटी डिग्री नॉर्थ की बात करें तो वो हमारा आर्टिक सर्कल होता है एंड फर्दर जो आ, हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री जहाँ पे बनता है नॉर्थ का वो नॉर्थ पोल होता है इसी तरह अगर हम साउथ की तरफ मूव करें तो हमारा क्या होगा 23.5 डिग्री साउथ ठीक है वो क्या होगा उसको हमने नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देन अगर हम और मूव करें फर्दर टू तो दी साउथ जो साउथ पोल तक अगर इसे हम डिवाइड uh, करें मतलब साउथ पोल पर अगर लेटिट्यूड देखते हैं तो वो लेटिट्यूड है नाइन्टी डिग्री लैटिट्यूड राइट तो ये सब हमारे पैरेलल्स पैरल सर्कल हैं जो कि इक्वेटर से पोल्स तक बनाए जाते हैं और इनको हम पैरल्स ऑफ लेटिट्यूड बोलते हैं और ये सब डिग्रीज़ में मेजर किए जाते हैं राइट right? देन अब अगर हम इसी चीज़ को फर्दर पढ़ें कि हमारी जो अर्थ है ठीक है इसके कुछ हीट जोन्स हैं इसको हीट जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है जोन्स से यहाँ पे मतलब है कि जो अलग अलग हमारा सनलाइट जहाँ जहाँ पड़ती है इन लेटीट्यूड्स पे उसके अकॉर्डिंग हीट जोन्स डिवाइडेड हो डिवाइड हो गए हैं ठीक है तो ये कैसे हुआ है जैसे कि पहले हम इस पिक्चर को स्टडी करते हैं इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट पिक्चर जो दिखाई हुई है उसमें क्या दिखाया है कि एक टॉर्च है और टॉर्च जो है वो एक सरफेस पे डायरेक्टली स्ट्रेट सरफेस पे डायरेक्टली फॉल कर रही है ठीक है उसकी जो लाइट है टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इन फर्स्ट पिक्चर एंड इन अदर पिक्चर व्हाट इज़ शोन टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्लेंटेड सरफेस मतलब एक जगह है जो बिल्कुल स्ट्रेट है और उसकी लाइट टॉर्च से हम स्ट्रेटली उस पर पड़ रही है तो उधर हमने हम नोटिस कर रहे हैं कि वहाँ पर मैक्सिमम हीट होगी और साथ के साथ वो छोटा एरिया कवर कर रही है एंड इसी तरह अगर हम उसी पर्टिकुलर सरफेस को अगर हम उसको थोड़ा स्लैंटेड पोजीशन में बनाएं तो हमारी जो टॉर्च की जो लाइट है उससे जो हीट पड़ रही है उस सरफेस पे वो उतनी ज़्यादा हीट नहीं है राइट तो उसकी वजह से वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो जो फर्स्ट पिक्चर है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ रही होगी टॉर्च की इन कंपैरिजन टू अदर पिक्चर ठीक है बट अगर ये भी नोटिस करना कि जो लाइट है वो फर्स्ट पिक्चर में ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर रही है बट सेकेंड पिक्चर में जो स्लैंटेड पोजिशन की वजह से जो टॉर्च की जो लाइट पड़ रही है वो ज़्यादा एरिया कवर कर रही है तो अब एक सेकेंड पिक्चर देखो सेकेंड पिक्चर में बेसिकली यही बताया गया है जो हीट जोन्स हैं अर्थ के हीट जोन्स कैसे हमने डिवाइड किए हैं जो हमारी अर्थ रोटेट करती है ठीक है तो सन की जो लाइट पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हीट जोन्स हमने डिवाइड किए हैं मतलब जहाँ पर सन की लाइट डायरेक्टली पड़ती है उस जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट पड़ती है उस पोजीशन उस जोन को हमने नाम दिया है टॉरिड जोन ठीक है देन जहाँ पर स्लैंटेड पोजिशन होने की वजह से सन की लाइट जो है वो अर्थ का एरिया कवर तो ज़्यादा कर रही है लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है कम एज़ कम्पेरिजन एज कम्पेरेटिव टू टॉयरेट जोन तो वहाँ पर उस जगह को हमने नाम दिया है टेम्परेट जोन एंड फर्दर और अगर हम और आगे बढ़े तो जो हमारी सबसे लिमिटेड बहुत मिनिमम uh, लाइट अगर uh, जहाँ पे मिलती है जहाँ पर पहुँचती है तो वो जगह है फ्रिजड जोन ठीक है और अगर आप नोटिस करो इस पिक्चर में तो ये दोनों ही जगह पर आ रही है मतलब आपका जो टॉपिक ऑफ़ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है उन दोनों के बीच की जो स्पेस है वो क्या कवर कर रही है टॉरिड जोन देन आप अगर अपर मूव करो नॉर्थ की साइड मूव करो तो वो टेम्परेट जोन आ रहा है तो इसलिए क्योंकि वो नॉर्थ की साइड है इसलिए उसको हमने नॉर्थ टेम्परेट जोन नाम दे दिया है और अगर हम आगे साउथ की बात करें तो साउथ टेम्परेट जोन नाम दे दिया थी है ठीक है देन 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्टिक सर्कल से ले नॉर्थ पोल तक का जो स्पेस है वो स्पेस है फ्रिजड जोन और इसी तरह 66.5 डिग्री साउथ से लेकर साउथ पोल तक का जो स्पेस है जहाँ पे सबसे मिनिमम लाइट पहुँचती है सन की वो जगह को वो जोन को हमने नाम दिया है फ्रिजड फ्रिजड जोन ठीक है एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं टॉयरेट जोन मीन्स द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हैड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लेटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिस एरिया रिसीव्स मैगजिम हीट एंड इज कॉल्ड दोन देन टेम्परेट जोन क्या होता है बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स द मिड डे सन इज न ओवर हेड जो ट्रॉपिक्स के अगर हम बियोन्ड मूव करते हैं तो मिड डे सन जो है वो कभी भी डायरेक्टली ओवर हेड नहीं होता द सन रेज कम्स सेट स्लैंड एरियाज यहाँ पर जो सन रेज पड़ती हैं वो स्लेंटेड पोजिशन में जाती हैं और ये जो एरिया है अर्थ का ये माइल्ड टेम्परेचर कवर करता है इसी तरह फ्रिजिड जोन में क्या होता है एरियाज़ बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड दोज बिटवीन द एंटार्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल रिसीव सन रेज एट अ बिग स्लैंट यहाँ पे और भी स्लैंटिंग वे में सन रेज पहुँचते हैं तो दिस पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट एंड रिमेन्स वेरी कोल्ड ओके देन मूविंग फर्दर लॉन्गी बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है उसको डिवाइड किया गया था अगर हम हॉरिजोनटल लाइन्स इमेजनरी लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं उस बेसिस पर अर्थ को डिवाइड कर दिया गया था लेकिन लॉन्गीट्यूड्स क्या होता है लॉन्गीट्यूड्स लॉन्गीट्यूड्स आर दी इमेजनरी लाइन्स विच रन फ्रॉम वन पोल टू अनदर ठीक है अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो इसमें क्या है साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जो लाइन्स इमेजनरी ड्रॉ की जा रही हैं तो वो लाइन्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है लॉन्गिट्यूड्स इससे पहले हमने क्या देखा था जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स थी वो हमारी क्या थी लैटीट्यूड्स बट अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो जो वर्टिकल लाइन होती है अर्थ में जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल को कनेक्ट करती है इमेजनरी लाइन वो उनको हम लॉन्गीट्यूड्स बोलते हैं इनको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गीड भी बोलते हैं ठीक है

उससे नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड में आप मूव करते जा रहे हो तो आप कैसे मूव करते जा रहे हो कि ये जो बेसिकली पार्ट ये जो डिवाइड कर रही है ये आपकी अर्थ को डिवाइड कर रही है ईस्टर्न हेमस्फियर एंड नॉर्दर्न हेमिसफेयर तो अगर आप राइट right साइड देखो तो ये जैसे जैसे आप मूव करते जा रहे हो थर्टी डिग्री ईस्ट देन सिक्सटी डिग्री ईस्ट देन नाइन्टी डिग्री ईस्ट इस तरह से आप कवर करते जा रहे हो और लास्ट में आप वन एट्टी डिग्री ईस्ट तक पहुँच जाओगे इसी तरह जब आप लेफ़्ट साइड मूव करोगे तो थर्टी डिग्री वेस्ट दैन सिक्सटी डिग्री वेस्ट नाइन्टी डिग्री वेस्ट एंड देर फो एट लास्ट वन एट्टी डिग्री वेस्ट पे आप पूरा अर्थ कवर कर लोगे राइट दैट मीन्स थ्री सिक्सटी लाइन्स आर देयर ठीक है जो लॉन्गीट्यूड्स बना रही हैं बट एक चीज़ और नोटिस करना थ्री सिक्सटी नहीं बोलूँगी मैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करवाऊंगी पहले कि आपकी जो वन एट्टी डिग्री ईस्ट है और वन एट्टी डिग्री वेस्ट है तो ये एक ही लाइन है है हाँ ना ये देखो यहाँ से आप मूव करते जा रहे हो राइट साइड right की तरफ ईस्ट की तरफ और लास्ट में वन एट्टी डिग्री बना रहे हैं। और इसी तरह जब आप वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हो तो लास्ट में पहुँच जा रहे हो वन एट्टी डिग्री पर तो ये बेसिकली एक ही लाइन है जो वन एट्टी डिग्री ईस्ट और वन एट्टी डिग्री वेस्ट दोनों एक ही लाइन है ठीक है नौ लॉन्गीड एंड टाइम अब यहाँ पर हमारा जो लॉन्गीट्यूड के बाद हम यहाँ पर टाइम को बहुत यहाँ पर हमारा टाइम का भी मेजरमेंट uh, कैसे करते हैं इस लॉन्गिट्यूड uh, से पता चलेगा तो हम लोगों को सबको पता है कि जो अर्थ है वो uh, एक रोटेशन बनाने के लिए एक रोटेट uh, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने का क्या मतलब है जब 360 डिग्री जब अर्थ पूरी रोटेट करती है तब जाके 24 फोर आवर्स कम्प्लीट होते हैं है ना तो जो डेली बेसिस पे हमारा जो एक एक दिन जो जाता है वो बेसिकली हमारी अर्थ पूरा 360 डिग्री तक रोटेट कर लेती है और देअोर इट एक्चुअली कम्प्लीट्स अर डे ठीक है तो इसी तरह जब अर्थ जो हमारी क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो रोटेट कर रही है तो जो सन की पोजीशन है सन तो फिक्स्ड है सन अपनी जगह पर फिक्स्ड है लेकिन जो अर्थ है वो जैसे, जैसे जैसे रोटेट कर रही है उसकी वजह से जो सन की जो डायरेक्ट हीट पड़ती है है ना मैंने आपको बताया था कि ओवरहेड जो डायरेक्टली मैक्सिमम हीट पड़ने वाली जगह पर टॉयरेट जोन होता है और जो टॉयरेट जोन होता है वो अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट की वजह से हर एक प्लेस में सन की जो लाइट पड़ती है जो मैक्सिमम पड़ती है जैसे कि जब आपका सपोज करिए बारह जो मैक्सिमम लाइट जहाँ पे पड़ती है उस पर्टिकुलर टाइम को हम जब जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है उस पर्टिकुलर जगह टाइम को हम बोलते हैं Uh, 12 नून ठीक है मतलब अगर हम कहें कि किसी जगह पर सन की डायरेक्ट लाइट पड़ रही है तो मतलब उस जगह का वो टाइम हम 12 बजे uh, रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने एक एक तरीका निकाला है कि टाइम को कैसे हम डिवाइड करेंगे ठीक है लेकिन अब अगर आप नोटिस करो तो हर एक जगह अलग अलग है हमारी राइट कि हर एक जगह पे सेम टाइम पर अर्थ uh, सेम टाइम पर uh, सन की मैक्सिमम लाइट नहीं पड़ती है हाँ ना तो अकॉर्डिंगली टाइम डिसाइड होता है जैसे कि हमने यहाँ पर उस चीज़ को इजी बनाने के लिए मतलब हमने एज इन जो जोग्रफिक जो हमारे जिसने ये टाइम मेरिडियन का एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे उन्होंने क्या किया उन्होंने ग्रीन जो एक प्लेस है जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी है उस जगह से एक जो मेरिडियन जो लॉन्गीट्यूड पास हो रहा है उसको बेसिकली नाम दे दिया ज़ीरो डिग्री लॉन्गीट्यूड ठीक है उस पर्टिकुलर लॉन्गीट्यूड को जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड का नाम दे दिया अब उससे क्या हुआ कि उससे एक उनको बेसिक स्टैंडर्ड मिल गया कि जो अर्थ है यहाँ से अगर हम लेफ़्ट साइड जाएंगे और यहाँ से अगर हम राइट right साइड जाएंगे तो अर्थ जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमोस्फेयर में डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली तो हमें हमें अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करना इनफैक्ट एक तरीके से स्टडी करना है तभी हम उस चीज़ को समझ पाएंगे ठीक है जैसे कि मैं एग्जांपल बता देती हूँ कि अगर लॉन्गीट्यूड का जो एक तरीका है कि अगर आपको किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है ठीक है तो उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जगह को उस जगह से मतलब एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर ज़ीरो डिग्री लॉन्गीट्यूड से कितनी ईस्ट कितनी दूर है ईस्ट की तरफ़ या कितनी दूर है वेस्ट की तरफ तभी तो आप एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाओगे ठीक है तो उसी के बेसिस पर लोकेशन के साथ साथ यहाँ पे हमने टाइम का भी कॉन्सेप्ट निकाला टाइम कैसे कि ग्रीन जो मैंने आपको बताया ग्रीन इज़ द प्लेस जहाँ पर जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया ठीक है अब सपोज़ करिए जब ग्रीन विच में एग्जैक्टली exactly जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है उस टाइम को 12 बजे माना गया कि यस यहाँ पर 12 पीएम एम टाइम हो रहा होगा लेकिन अगर आप नोटिस करो क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है तो धीरे धीरे जो ग्रीन विच से ग्रीन विच से थोड़ा पहले ऑलरेडी कुछ जगह कवर अप हो गई होंगी जहाँ पे ऑलरेडी लाइट पड़ चुकी होगी इसी तरह ग्रीन विच के बाद क्योंकि अर्थ रोटेट करेगी धीरे धीरे तो ग्रीन विच के धीरे धीरे फर्दर हम मूवमेंट करेंगे तो कुछ जगह पे डायरेक्ट सनलाइट लाइट जो है वो थोड़े टाइम बाद पड़ेगी मतलब वन टू टू आवर्स के बाद पड़ेगी है ना तो उसकी वजह से हमने क्या किया कि ये ये तो हमने स्टैंडर्ड बना लिया कि हमारा जो ग्रीन विच है वहाँ पर ज़ीरो डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड कवर कर रहा है और वहाँ पे बारह बज रहे हैं अब हमने इसको किस तरह से फर्दर उसको स्टडी कैसे किया जैसे कि आप समझिए कि 160 जो uh, 360 डिग्री जो होता है वो 24 फोर आवर्स में कंप्लीट होता है इसका मतलब क्या हुआ कि जो 15 डिग्री जो हो रहा है अर्थ का मूवमेंट ठीक है वो वन आवर में कंप्लीट हो रहा है और फर्दर इसको हम और मेजर करें और कैलकुलेट करें तो जो वन डिग्री अर्थ मूव करती है वो फोर मिनट्स में वन डिग्री रोटेट कर जाती है तो मतलब अगर बारह बजे ग्रीनविच में हो रहे होंगे तो इसका मतलब जो उसके फिफ्टीन डिग्री ईस्ट की तरफ जो ऑलरेडी जहाँ पर अर्थ मूव कर चुकी है वहाँ पर ऑलरेडी वन आवर पहले का टाइम चल रहा होगा मतलब वहाँ पर बारह नहीं बज रहे होंगे इनफैक्ट एक बज गया होगा क्योंकि उससे एक घंटे पहले ऑलरेडी मैक्सिमम सनलाइट उस पर्टिकुलर जगह पे पहुँच चुकी होगी ग्रीन विच पर तो बाद में आई होगी इसी तरह अगर हम ग्रीनविच के दूसरी साइड दूसरी तरफ की बात करें नेक्स्ट वेस्ट uh, की तरफ बात करें तो वहाँ पर क्या होगा कि फ़िफ्टीन डिग्री वेस्ट जो होगा ग्रीन का ग्रीन से अगर हम फिफ्टीन डिग्री वेस्ट मेजर करें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो अर्थ है वो वन आर पीछे चल रहा होगा मतलब वहाँ पर बारह नहीं बज रहे होंगे इनफैक्ट ग्यारह बज रहे होंगे मतलब एक घंटे बाद वहाँ पर सन की मैक्सिमम लाइट पड़ेगी ठीक है तो इसी तरह जब वन एट्टी डिग्री कवर करता है अर्थ तो यहाँ पर मिडनाइट होती है ग्रीन विच में ठीक है तो जैसे जीरो सिमिलरली एट वन एट्टी डिग्री विल बी मिड नाइट इट इज़ ट्वेल्व नून एट ग्रीन विच सॉरी मतलब जो ज़ीरो डिग्री अगर ग्रीन विच में है ज़ीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट पड़ रही है तो उस उसी सेम टाइम पे वन एट्टी डिग्री का जो लॉन्गीट्यूड होगा ना उधर बारह बज रहे होंगे रात के ठीक है नौ इसको तो हमने समझ लिया अभी इसको आपको अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है इसमें तो जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उससे समझ में आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम अब इसको समझिए अभी हम सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए समझेंगे तो लोकल टाइम जो होता है अलग अलग लॉन्गीट्यूड्स का वो डिफ़र होगा क्यों क्योंकि अगर आप अलग अलग लॉन्गीट्यूड्स पे देखो तो आपका जो सनलाइट है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम हीट देगा है ना तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इंडिया की पर्सपेक्टिव से समझना कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम टेबल बना जो ट्रेन्स का टाइम टेबल है वो मुश्किल हो जाएगा बनाना क्यों क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि भाई गुजरात में द्वारका में अभी बारह बज रहे हैं लेकिन यहाँ पे आसाम में डिब्रूगढ़ जो है वहाँ पे बारह ऑलरेडी एक घंटे पहले बज चुके हैं एक घंट वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स पहले बारह ऑलरेडी बज चुके हैं क्यों क्योंकि आसाम साइड देखें तो मैक्सिमम सनलाइट ऑलरेडी पड़ चुकी है ठीक है कहाँ पर जो सिक्सटी जो आपका यहाँ पे सिक्सटी नाइन्टी सेवन डिग्री है नाइन्टी सेवन डिग्री ईस्ट ठीक है वो ऑलरेडी कवर कर चुका है आपका आसाम को ठीक है लेकिन और वहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट ऑलरेडी पड़ चुकी है डिब्रूगढ़ में लेकिन अगर आप फर्दर धीरे धीरे जब रोटेट करती जाएगी अर्थ तब जाके गुजरात के द्वारका में मैक्सिमम सनलाइट कब पड़ेगी जब वो वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स के बाद वो वहाँ पे अर्थ रोटेट करके पहुँचेगी लेकिन अगर हम ट्रेन के टाइम टेबल्स की बात करें एज एन इंडियन तो हमको तो एक कॉमन टाइम चाहिए होगा ना ठीक है तो इन इंडिया देर विल बी डिफरेंस ऑफ अबाउट वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका गुजरात एंड डिब्रूगढ़ आसाम ये एक एग्ज़ाम्पल है ठीक है तो इसी वजह से अलग अलग टाइम को कैप्चर करेगा सन की मैक्सिमम लाइट की वजह से इस वजह से हमने क्या किया एक लोकल टाइम को अडॉप्ट कर लिया ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ लोकल टाइम को अडॉप्ट करने का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड को हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया जैसे कि आप इसमें देख रहे हो इंडिया यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड कवर कर रहा है उसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन नाम दे दिया मतलब जो जिस टाइम पे यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट पड़ेगी उस टाइम को ओवरऑल इंडिया में 12 बजे ही माना जाएगा ठीक है सो तो तो देयर फॉर द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री तो अगर इट डजेंट मैटर कि गुजरात या आसाम में मैक्सिमम सनलाइट कब पड़ रही है सिर्फ इतना मैटर करता है कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस कर रहा है इंडिया को उधर हमारा मैक्सिमम सनलाइट किस टाइम पड़ रही है ठीक है और उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम बाकी का जो अदर स्टेट्स हैं अदर हमारी प्लेसेस हैं इंडिया की उधर भी हम सेम टाइम को एज्यूम करते हुए चलते हैं ठीक है तो हमारे होल कंट्री के लिए वही पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का रिप्रजेंटेटिव मानते हैं और इसीलिए इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोला जाता है आई भी बोला जाता है ठीक है तो आप एक दो बार और रीड करना इसको और एक दो बार और सुनना आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ठीक है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जब ये आप समझ लोगे तीन चार बार सुन लोगे तो आपको बहुत इजीली बहुत इजीली समझ में आएगा और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ पहले रीडिंग करो अपने चैप्टर की देन वीडियो देखो एंड देन अगेन रीड करो एंड देन वीडियोस देखो थ्री टू फोर टाइम्स तो आपका ऑटोमेटिकली जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा थैंक यू आई होप आपको समझ में आया होगा आप अच्छे से जैसे मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ वैसे पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ओके सो थैंक यू